आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। आपने ये ड्राफ्ट किए जो अभी रिसेंटली इस वीक में दिए? सर वो इन्वेंशन वाला नहीं, क्या कैपिटलिज्म तक की है? कैपिटलिज्म एक जी ही किया है इसका मतलब है। हाँ सर, एक ही किया है। तो इन्वेंशंस वाला करने ना करने की कोई खास वजह? वजह सर वो कुछ पर्सनल रीजंस हैं, असल में कुछ कोर्ट केसेस हैं। तो ठीक। आइडियाज हैं मेरे पास, अगर आप कुछ कहें तो मैं शेयर कर दूं अभी। बोले आप उसका इंट्रो कैसे देंगे? जी सर, इंट्रो कैसे देंगे उसका? ये किसी बच्चे की आवाज बीच में आ रही थी तो आई कुडंट हियर यू प्रॉपरली। बाकी काइंडली माइक अपने आप कर लें। जी उमर, मैं ये कह रहा था कि इसका इंट्रो ह्यूमन इन्वेंशंस वाले का आप किस तरह इंट्रो देंगे? इसका ओपनिंग प्लस थीसिस? सर इसका मैं जो है डायरेक्शन ऐसे ही पॉजिटिविटी से लेके जाऊंगा, लेकिन फिर बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड वी कैन रेजिस्ट अवर टेम्पटेशंस टू एक्सप्लॉइट अवर ओन इन्वेंशंस, तो फिर आई विल गिव द रीजंस कि हाउ अवर टेक्नोलॉजी हैज टर्न्ड इट्स बैक ऑन अस। तो फिर वो आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे और उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड दे देंगे, बिकॉज वी मेड टेक्नोलॉजीज एंड मशीन्स टू सेव अवर टाइम, टू इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर फिर वी हैव जस्ट बिकम स्लेव्स टू अवर ओन टूल्स। तो फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे कि कैसे अब हमारी टेक्नोलॉजी हमें कंज्यूम कर रही है, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ना इम्प्रूव हुई, ना ही वो जो लेजर टाइम मिला, तो उससे हमने कोई को सिर्फ और ज्यादा मशीनें ही बनाई हैं, बाकी तो कुछ हमने नहीं किया। तो एक डायरेक्शन तो पॉजिटिविटी से आपके जाएगा और हमारी वीकनेसेस को हाईलाइट करेगा, फिर वे फॉरवर्ड देगा। ठीक। जी सर, शाहान, शाहान आपको मेरी आवाज आ रही है? शाहान आवाज आ रही है आपको मेरी? चलें, इनको भी नहीं आ रही। डॉक्टर अमन, अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, आप जी इसका सर, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? सर मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, अगर आप कहें तो मैं बोलूं। बोले जी सर, सर ह्यूमन इन्वेंशंस कंफर्म रादर आर बाउंड टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। दीज हैव लेड द एंशिएंट वेज ऑफ लिविंग गिवन वे टू मॉडर्न प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग। टेंजिबल प्रोडक्ट्स आर द नॉन टेंजिबल परस्यूट्स। टुडे थैंकफुली Human inventions have supplanted the earth while dominating barbarism, destituteness, oppression, and social alienation with tolerance, freedom, self-sufficiency, and happiness. Both spheres of human life, private and public, have been equally revolutionized. There is, however, another school of thought which rationalizes otherwise. They consider present age's progress unreal by alluding it to the prevailing discontentment in human lives and stagnation in intellectual pursuits. However, this narrates the whole story. Certainly, some loopholes have been missed unintentionally, only to be reflected later. Filling those loops by techno-ethics, global technological legislation, and human consciousness, which will surely correspond to development of human inventions directly and wholly with the human progress. एक तो ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट लाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आप जनरली बात कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक फैक्ट है ना कि इन्वेंशन तो ही है। ये जी सर, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ना भी आए तो ये एक फैक्ट है कि उन इन्वेंशंस के मिस यूज से ठीक फिर है उनका वो सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बनते हैं। तो वो बात ठीक है उसका, दूसरा थोड़ा सा इसको सिंपल करने की जरूरत है, ओके सर। थोड़ा इतनी को अंग्रेजी इस्तेमाल करें कि मेरे जैसा भी समझ जाए। ठीक है सर।
सर लाइक 30-40% कम करूं इसको? काम भले ना करे, थोड़ी लैंग्वेज सिंपल कर, ठीक? ओके सर, ठीक है। आके एग्जामिनर को रुकना ही ना पड़े इवन फॉर अ सेकंड। ओके सर, ओके। अच्छा जी, अभी मुर्तजा, जी मुर्तजा सर, ह्यूमन इन्वेंशन मतलब? जी इसका इंट्रो जरा सर, इस तरह से मैं प्रोसीड कर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आना मिजाज, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अनम, आप बताइए कि आप इसका इंट्रो ओपनिंग लाइंस कैसी होंगी इसकी? सर जो मैंने लिखा था मैं भी वही नरेट कर देती हूँ, देन यू कैन कमेंट ऑन इट। आई स्टार्टेड इट विद विल ड्यूरेंट की कोट दैट साइंस इज न्यूट्रल, इट कैन किल फॉर अस एज रेडिली एज इट कैन बिल्ड फॉर अस। And then I moved on. The neutrality of science can be interpreted as its ability to be a boom or a doom for humanity, contingent on its usage. Talking about boom, the scientific inventions are the steps that took man forward from being a savage to becoming a scientist. It guided man's evolution from a fearful and dependent creator to a master and controller of this planet's resources. However, the same inventions have shown the man new and efficient ways to reach the same old ends. Use of innovations for acquisition of good, intensification of gender inequality, overcoming competition via insidious means, and subjection of weaker to maintain economic might are still integrated features of the modern world. Hence, it is not the inventions, but their misuse is what risking our society's journey backwards. Otherwise, inventions themselves are the cause of human progress by leaps and bounds. Hence, their apt use must be assured by concerted efforts. इसमें start में कोई glimpses वाली feeling ज़्यादा नहीं आ रही? Yeah, glimpses वाला portion हो भी लंबा गया था by the end. Okay, You mean to outline की glimpses वो मैंने starting में ज़्यादा दे दी? आप मुझे ये सेंड कीजिएगा, मैं इसको जरा देख लूंगा। अच्छा, ऐसा है कि अगर आप इसको जनरल टू स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं आप सब लोग, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये जो एवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियन है इसका, फ्रॉम होमो सेपियन टू द कंट्रोलर ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड हिम, किस तरह प्रिमिटिव मैन जो है वो एक बड़ा एक स्मॉल पार्ट है यूनिवर्स का, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह उसने खुद को डेवलप किया, और इन इन्वेंशंस के थ्रू अल्टीमेटली उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट पे बढ़ गया, और आप 30-40-50 वर्ड्स में ये ओवरऑल जो जर्नी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, पहले तो एक दफा हमने वो ह्यूमनिज्म वाले ऐसे में वो डिस्कस किया था ना, यहाँ पे ये था कि स्टार्ट में वो क्या था, लेकिन इन्वेंशन ने उसकी जिंदगी को किस तरह रिवोल्यूशनाइज कर दिया। तो ये दोनों चीजें आपस में थोड़ा सा अगर लिंक हो जाएं, और फिर यहाँ पे आके हम स्ट्राइक कर दें कि इन्वेंशन जो है, भले आप वो न्यूट्रलिटी वाली बात वो आप कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इन्वेंशन के ऊपर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे के फिर आप आ जाएं कि इन्हीं इन्वेंशन का मिस यूज सोसाइटी को ना सिर्फ बैकवर्ड नहीं लेके जाएगा, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक? तो क्योंकि सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इन इन्वेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इन इन्वेंशन ने जो जो किया है उसकी बात करके फिर उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो, और फिर कंक्लूजन। एक तो ये तरीकाकार हो गया, दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जिस तरह आपने किया, आप स्टार्ट में ही अपना थीसिस स्टेटमेंट दे दें, फिर ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा टॉपिक को अनफोल्ड कर दें।
तीन चार पांच सेंटेंस में अनफोल्ड कर दें, इसके बाद आप ग्लिम्सेस देके कंक्लूड कर दें। आप स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच भी इसमें फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा, मैं इसमें एनेक्डोटल ओपनिंग जो है ना वो भी फिट की जा सकती है। आप किसी ऐसी इन्वेंशन से स्टार्ट ले सकते हैं जिसने ओवरऑल दुनिया को और हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज किया हो, मूव फॉरवर्ड करने में सोसाइटी को बड़ा रोल प्ले किया हो, बट साथ ही साथ उसमें ये पोटेंशियल भी हो कि उसने हमें सोसाइटी को बैकवर्ड भी मूव किया हो। तो इस तरह की किसी इन्वेंशन से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। बट एनेक्डोटल ओपनिंग मैं इसलिए ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, उसकी वजह यह है कि समटाइम्स अगर आपकी ये ओपनिंग इतनी रेलिवेंट ना हो और आपकी अपनी सेल्फ क्रिएटेड हो तो फिर ये बाउंस बैक भी कर जाती है। ये जो स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक दोनों एकेडमिक मेथड जो हैं ये बाउंस बैक नहीं करते। मेक श्योर कि एनेक्डोटल ओपनिंग में आपका वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट। बहरहाल मैं इस वीकेंड पे मैं आपके ये जो चार पांच आपके ये जो ड्राफ्ट थे मैं चेक करूंगा, उनमें से अच्छे ड्राफ्ट मैं शेयर करूंगा। अभी हमारा और कुछ वैसे आपने जो ग्रुप में कुछ लोगों ने शेयर किए हैं उनमें अच्छे ड्राफ्ट हैं जिनकी आउटलाइन और इंट्रो दोनों ही अच्छे हैं, वो आप पढ़िएगा। शाहान जो है मैंने उसका पढ़ा था और उसका भी ठीक था कि जो उसमें लिंक और जो फ्लो था आइडियाज का दैट वाज करेक्ट। चलें अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दो हम कोशिश करेंगे कि हम दो टॉपिक डिस्कस करें, बहरहाल इतना टाइम नहीं होगा, बाकी कल कर लेंगे। विद द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वार हैज बिकम मोर लीथल एंड वाइड स्प्रेड। बहुत खूबसूरत टॉपिक है ये। तो मैंने पहली बार ये 2017 की क्लास में दिया, अब ये ज्यादा रेलिवेंट हो गया करंट पर्सपेक्टिव में, जो यूक्रेन और ये चीजें चल रही हैं उसमें ये ज्यादा रेलिवेंट हो गया। जी अमार गिल, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। क्या कहते हैं इस टॉपिक के ऊपर आप? सर इससे मैं सर्टेनली अग्री करूंगा। उसकी सर कैसे? ये रीजन जी सर कैसे? सर इसकी रीजन ये दूंगा कि अभी जो एंशिएंट टाइम्स से तब जो वेपन्स थे वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, इतने मतलब सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, लेकिन अब जो है वो स्वॉर्ड्स की जगह गन्स आ गई हैं और अभी गन्स से भी आगे न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, मास डिस्ट्रक्शन की जो है एलिमेंट्स वो आ गए हैं। तो एक तो सर ये रीज़न है और इधर से सर मैं स्टार्ट करूँगा, और जो पोटेंशियल है डिस्ट्रक्शन काज करने का वो भी बहुत ज्यादा हो गया है, और इसे एक पहले एक इक्विलिब्रियम सॉर्ट ऑफ बना होता था नेशंस के दरमियान, मतलब वो अलायंसेस करके सारा कुछ करके वो मतलब बैलेंस ऑफ पावर करना आसान होता था, लेकिन अब जो नेशंस हैं जिनके पास कोई वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो वो कभी भी उनके बराबर नहीं जा सकती जितने मर्जी अलायंसेस कर लें जिनके पास वेपन्स हैं। तो एक बड़ी एसिमेट्री है ग्लोबल जो स्टेज है वर्ल्ड स्टेज पे, तो इसकी वजह से जो वॉर है वो लिटरल भी बहुत ज्यादा हो गई और वाइड स्प्रेड भी जो है वो हो गई। ठीक चलें, आपने बड़ी सिंपल सी इसकी इंटरप्रिटेशन कर दी। अभी मुझे जरा बताएं फरमान, फरमान आपको आवाज आ रही है? जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। बस फरमान आप बताइए आपकी क्या ओपिनियन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक को लेकर? सर मेरी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेशन वही रहेगी जो वार वाले इससे पे करवाया था विल्डी उरांड का,
कि जो वार इज द परमानेंट कैरेक्टर ऑफ द हिस्ट्री। और फिर सर मैं आ जाऊंगा इसके ऊपर कि एक एंड पे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में एडवांसमेंट हो रही है और जो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, लिबरल इंस्टीट्यूशंस हैं और एजुकेशन भी है, तो एक एंड पे तो वो सर हो रहा है, बट हम अपना ही वो जो है सामान अपनी तबाही का, जैसे सर आपने पहले कहा कि सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो भी हम खुद बना रहे हैं। तो ये सर आई विल एग्री कि वॉर इज बिकम मोर लेथल एंड वाइड स्प्रेड, क्योंकि सर ये जो वॉरफेयर का जो मोड है वो भी चेंज हो रहा है, उसके अंदर हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए हैं, बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स हम यूज करते हैं उसके ऊपर भी आप आ सकते हैं, तो उसमें सर ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और एक ऐसे आपने सर रिकमेंड किया था मैन वर्सेस इंसेक्ट का, तो उसके अंदर बर्टन रसल कहता है कि जब आप उसके जरिए अटैक करते हो एनिमी को, तो इवन आप फौरन कंक्लूड भी कर लेते हो वार, फिर भी मतलब वो जो आप डैमेज उसको इन्फ्लिक्ट करते हो वो लिंगर ऑन करता है। तो मेरा सर इसके ऊपर यही होगा, बट मैंने प्रॉपरली ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया था इसके ऊपर सर, करना चाहिए था, टॉपिक तो मैंने 3-4 दिन पहले के दे दी। सर एक्चुअली वो ह्यूमन इन्वेंशंस वाला जो आपने दिया था वो उस पे आज मैंने इंट्रोडक्शन भी लिखा था, आउटलाइन भी लिखी थी, तो जी सर जी। डॉक्टर मायरा जी, डॉक्टर मायरा अच्छा जी, तलहा जाफर अस्सलामुअलैकुम सर। वस्सलाम जी, तलहा आप बोलें, आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे डाइसेक्ट करते हैं इस टॉपिक को? विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वॉरफेयर लीथल जरूर हुआ है, लेकिन वाइड स्प्रेड नहीं हुआ। ओवर द लास्ट 80 ईयर्स जो मेजर वॉर्स का प्रोपोर्शन है दैट हैज ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड। कोई यूरोप के अंदर अभी रिसेंट जो यूक्रेन के अंदर वॉर आई है उसके अलावा ऐसे नहीं आई, और जितने भी इवन जो लिथालिटी इंक्रीज हुई है, जो उनका डैमेज इंक्रीज हुआ है, उसी की वजह से बेसिकली वो एक डिटेरेंट का काम कर रहे हैं जिसने रोका हुआ है वाइड स्प्रेड होने से वॉर को। ठीक, तो कैसे डिवाइड करेंगे इस टॉपिक को, आप कैसे सेक्शन बनाएंगे इसके? सर पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन होगा, उसके अंदर फिर जो एक ओवरव्यू होगा के आउटलाइन इंट्रोडक्शन का, उसके अंदर सबसे पहला आ जाएगा कि छोटा सा एवोल्यूशनरी पार्ट आ जाएगा कि वॉरफेयर जो है उसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, उसने कौन सी नई एडवांसमेंट्स आई है, वो किस तरीके से इवॉल्व किया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो उसके मोड ऑफ लिथालिटी है वो इंक्रीज हुई है, तो उससे ओवरऑल नेचर ऑफ वॉरफेयर के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, वो रिड्यूस हुई है, इंक्रीज हुई है, एंड द सेम गोज फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉर, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉर उसकी वजह से कम हुई है या ज्यादा हुई है, और उसको हम रिबट कर एक और पैराग्राफ छोटा एंड उसके ऊपर फिर वे फॉरवर्ड एंड देन कंक्लूजन। ठीक, आदिल मुराद आदिल मुराद आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आप बताइए जी, आप कैसे इस टॉपिक को इंटरप्रेट करेंगे, क्या क्या सेक्शन बनेंगे? सर इस टॉपिक को मैं इस तरह इंटरप्रेट करूंगा कि बिल्कुल वार लीथल हो गया है 21st सेंचुरी में, और उसके डिफरेंट मोड्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूवाल नोआ हरारी अपने किताब में बोलता है कि साइबर वार्स जो हैं, अगले जो वार होंगे तो वो साइबर वार्स होंगे, जैसे कि दे विल नॉट बी कन्वेंशनल वार्स, एंड
like countries will fight in terms of their technologies, and they will destroy cities, I guess. Sarasal, मैंने ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग इस टॉपिक पे नहीं की, तो मैंने लास्ट वाला टॉपिक किया हुआ था, दूसरा वाला जो कल आपने दिया था. ठीक, वो ऐसे परसों दिया था, कल नहीं दिया था, कल तो क्लास नहीं हो सकी. जी जी सर, सर इस पे ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं की थी, सॉरी अबाउट दैट. चले इमान नजीर. बोले तो वॉर हैज बिकम मोर वाइडस्प्रेड एंड लीथल के अंदर दिस आल्सो राइट्स इन द बुक के 21st सेंचुरी के अंदर जैसा ग्लोबल पावर्स यूएस वगैरह के दे आर सिटिंग ऑन द फेंस एंड लेटिंग अदर्स डू द फाइटिंग. तो जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं, या अगर हम इसके अंदर एक एस्पेक्ट डाल दें कि the human desire to gain access over factors of production aur wo sara kuch, to the desire to become a world hegemon, advancement of human civilization ke sath, to isliye bhi war ki jo hai aap jo control hai aur desire hai acquisition ki, uski wajah se bhi we experience that there are more conflicts jo different reasons ki wajah se erupt karte hain. To ek ye hum dal sakte hain iske andar. इस स्टेटमेंट में आयरनी क्या है, ये जो स्टेटमेंट है बर्टन रसेल की स्टेटमेंट है ये? इस स्टेटमेंट में आयरनी क्या है? विद द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कॉमा वार हैज बिकम मोर लीथल एंड वाइडस्प्रेड. सर कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ एक्चुअली जो था वो रिड्यूस होना चाहिए था उसकी, बिकॉज उनको इनोवेट भी करने चाहिए थे वेज ऑफ रिकनसिलिएशन एंड एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री एंड ट्राइंग नॉट टू इंडल्ज इन फ्यूचर वॉर्स. लेकिन वो क्यों अभी भी हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट? ऐसे ही है. देखें टॉपिक को थोड़ा सा सिर्फ वही सिंपली जिस तरह हम कॉम्प्रिहेंशन नहीं हम कर रहे, थोड़ा सा उसको क्रिटिकली भी देखना चाहिए. जिस अब ये स्टेटमेंट जिस ऐसे से ली गई है उसमें ओवरऑल उसने ये चीजें काफी डिस्कस की गई हैं. मैंने आपको रिकमेंड भी किए थे कभी आप पढ़ें मैन वर्सेस इंसेक्ट में भी वो बात डायनोसॉर्स की करता है कि किस तरह डायनोसॉर जो है वो लड़ लड़ के उन्होंने पहले उनके वो सींग नहीं होते थे, उन्होंने उनकी जो डिजायर फॉर फाइटिंग थी, डिजायर फॉर वार, उससे वो आना शुरू हुए, फिर उन्होंने उससे खुद से लड़ना शुरू किया और अल्टीमेटली वो एक्सटिंक्ट हो गए. तो इसी तरह वेपनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, आप फिर उसका इम्पैक्ट्स ऑफ साइंस एंड सोसाइटी में साइंस एंड वार पढ़े, फिर उसका एक ऐसे है फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड वो पढ़े, फिर उसका एक ऐसे है काजेज ऑफ द प्रेजेंट क्यास वो पढ़े. खैर मैं इतना पढ़ना आप भी रिकमेंड नहीं करूंगा सिवाय उन लोगों के जिन्होंने टाइम रखा हुआ था ऐसे के लिए. मेरी एक हैबिट थी तीनों अटेम्प्ट्स में, मैं जो लास्ट डेज होते थे उनमें मैं ऐसे से रेलिवेंट बहुत पढ़ता था, ठीक अच्छा पढ़ता था, अच्छी रीडिंग्स मैं पहले से एरिया सेलेक्ट कर लेता था थीम्स, और मैं जिस ये मैंने आपको काम पे लगाया हुआ है ये काम मैं खुद करता था और मैं माइंड की एक्सरसाइज करता रहता था, इस तरह आ जाए तो क्या करूंगा, इस तरह आ जाए तो क्या करूंगा. फिर मैं रीडिंग करता था तो मैं वो जो राइटर्स होते थे उनके आइडियाज मुझे ट्रिगर करते थे, और फिर मैं उनको पढ़ने के बाद मैं खुद लिखता था, तो मेरा पेन भी एक फ्लो में रहता था, मेरा माइंड भी एक फ्लो में रहता था, और एग्जाम तक ये मैं ड्रिलिंग करता रहता था. फिर जब मैं फर्स्ट डेज होता था मेरे ख्याल में मुझे लगता था अगर मैं फर्स्ट डे जीत गया इस जंग का तो फिर आगे मसला नहीं है, तो वो मैं अपने आप को एक फ्लो में रखने के लिए उसमें करता था. तो आप अगर टॉपिक के ऊपर अगर आप डेली बेसिस पे आपके 3 आवर्स तो होने चाहिए ना इंग्लिश के, मस्ट होने चाहिए आपके स्किल एग्जाम अगर आपने पास करना,
तो वैसे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एग्जाम में जाकर से अटेम्प्ट करते हैं पास कर जाते हैं, फिर भी जस्ट टू मेक श्योर एक सेटिस्फेक्शन के लिए आपको 3 आवर्स देने चाहिए, तो उनमें आप बड़ी जल्दी जल्दी इन चीजों में से गो थ्रू हैं। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये कैसी एडवांसमेंट है, 1939 में जब ज्यूइश क्वेश्चन था, द आंसर टू दैट ज्यूइश क्वेश्चन बाय हिटलर वाज किल देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव। इसके ऊपर बकायदा मीटिंग्स होती थी, थिंक टैंक्स बनाए गए थे। 1933 ऑनवर्ड ही ज्यूइश क्वेश्चन का को एड्रेस करने के मेथड्स स्टार्ट हुए, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आइसोलेट किया गया, पॉलिसी बनाई गई, पहले उनको इकोनॉमिकली फिर पॉलिटिकली फिर कॉर्नर कर दिया, फिर हिटलर ने कहा कि नहीं जस्ट किल देम। तो उसके लिए फिर ये थ्योरीज आई कि नहीं पहले इनको यूज करो फिर इनको खत्म करो, प्रोडक्टिव यूज। अब फिर ठीक है खत्म कर दो, लेकिन फिर ये भी हुआ कि बुलेट से अगर आप इनको मारेंगे तो वो एक एक मतलब वो भी वेस्टेज होगा, वो भी वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो फिर गैस चैम्बर्स बनाए गए। मतलब आप ये देखें कि किस तरह एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक्सप्लॉइट किया गया ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही खत्म करने के, एक मतलब ये कैसी एडवांसमेंट है, और ये उसको सिविलाइजेशन आप कैसे कह सकते हैं, ठीक कि सिविलाइजेशन एडवांस कर रही है। आपने विल ड्यूरांट का वो लेसन्स ऑफ हिस्ट्री में स्टार्ट में ही वो कहता है वार इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये जो प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड है उसमें वार का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जितनी बहुत बड़ी बड़ी जो इन्वेंशन है इनके पीछे मोटिव जो था वो वार था। तो ठीक है बट ये कैसी एडवांसमेंट, ये कैसी सिविलाइजेशन जो एडवांस होते जा रही है बट अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन बढ़ रही है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि 1940 में वो सिविलाइजेशन का पीक था, एडवांसमेंट का पीक था, बट अल्टीमेटली वी इन्वेंटेड सो मेनी मेथड्स टू किल अस इन सो मेनी वेज, उसको हम क्या एडवांसमेंट। तो इसका एक क्रिटिकल एंगल भी आना चाहिए कि ये जो एडवांसमेंट और नेचर ऑफ वार के ऊपर, इसके बाद आपको फर्दर आगे जाना चाहिए। वो किसी शायर ने भी कहा था ना, बल्कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। फिर किसी और ने भी कहा था कि बस्तियां चांद सितारों पे बसाने वालों, कुरा अर्ज पे बुझे चले जाते हैं चिराग। तो फिर वो शायर लुधियानवी की एक पोइम है, एक तो मैंने आपको पहले ही सुनाई थी, एक उसकी पोइम है, तसवराक की परछाइयां उभरती हैं कभी गुमां की सूरत कभी यकीन की तरह, बहुत खूबसूरत। तो वो आप पढ़िएगा, उसका जो लास्ट वाला पोर्शन है वो सारा वार के ऊपर है, ठीक, और बहुत खूबसूरत क्रिटिक है। इससे आपके ये जो इस ऐसे को लेके आपके जो सोचने का अंदाज है थोड़ा सा फिर बदल जाए, इसको सिंपली ले लें कि जी ये वेपन आ गए तो उससे लीथल हो गया ज्यादा, बायोलॉजिकल वारफेयर, उत्लाम वारफेयर, और फिर वाइड स्प्रेड इस तरह हुई। सिर्फ ऐसे में इस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। जी क्लियर है आपको? यस सर, यस सर। तो मेरा ख्याल है मैं इसके ऊपर आपने ना ब्रेनस्टॉर्मिंग की है ना आपने पढ़ने की जहमत की है, कल तक इसको आप पढ़ें जो मैंने आपको चीजें कही हैं, कुछ कुछ पढ़ लिया करें दिन के वक्त, ताकि रात को हम मैं चाहता हूँ ये आप करें ये काम, क्योंकि ये जितनी चीजें भी मैंने आपको बताई हुई हैं ये मैंने पढ़ी हुई हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो आप मेरे से 10 times बेहतर प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, दूसरा अभी मैं एक और टॉपिक पे आते हैं जिसके ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं होगी, और जस्ट एज अ सरप्राइज, और जो रेलिवेंट भी है। हमारे 3 टॉपिक से इस वीक अभी तक के, फर्स्ट था हमारा
कैपिटलिज्म, सेकंड था हमारा ह्यूमन इन्वेंशंस, थर्ड था हमारा ये वार वाला, और फोर्थ था हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिफ्थ था हमारा इज प्रोग्रेस रियल। ठीक, सिक्स्थ आज मैं ऐड कर रहा हूं, वो पांच वैसे ही रहेंगे, रिलेटिवली इजी, और ये है ओआईसी इज अ सेकंड नेम ऑफ फेलियर। ओआईसी इज अ सेकंड नेम ऑफ फेलियर। मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो जो भी एक अच्छा सीएसएस का सीरियस कैंडिडेट है उसने करंट अफेयर के काफी आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, इस पर लिखा हुआ भी होगा, बकायदा ये टॉपिक तैयार भी किया होगा, आजकल आपका पेपर बन रहा है, ठीक, और बनने के प्रोसेस में है या बन चुका है, और अभी आने वाले दिनों में ओआईसी का हो रहा है, इधर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बाज़कात होता क्या है कि एक होता है टॉपिक ऑफ द वीक, एक होता है टॉपिक ऑफ द डे, एक होता है टॉपिक ऑफ द मंथ, और एक होता है टॉपिक ऑफ द ईयर। समटाइम जब एग्जामिनर्स पेपर बना रहे होते हैं तो उन दिनों न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस होती हैं या कोई इशू चल रहा होता है तो एक आध टॉपिक इस पे भी दे देते हैं, तो इसने आप उसमें ऐड किया है। ओआईसी इज द सेकंड नेम ऑफ फेलियर। जी इस पे मुझे कौन बताएगा? ज्यादातर लोगों ने अपने नाम, श्याम सुल्तान आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आ रही है। बाकी काइंडली अपने माइक ऑफ कर दें। श्याम आप बताएं, स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? जी सर, मैं एग्री करता हूं कि ओआईसी इज अ सेकंड नेम ऑफ फेलियर। Why? सर इसकी वजह यह है कि इसने मुस्लिम उम्मा के बहुत से इश्यूज को एड्रेस नहीं किया, जिसमें सबसे पहला कश्मीर इशू है, फलस्तीन का इशू है, इसने सोशियो इकोनॉमिक इशूज भी मुस्लिम उम्मा के इतने अच्छी तरह से उसको टैकल नहीं किया, इस्लामोफोबिया का बहुत मेन इशू है, इस वजह से सर ये इज अ सेकंड फेलियर। ठीक हो गया। अच्छा जी, कोई एक आर्गुमेंट जो आप इसके ऊपर देना चाहेंगे आउटलाइन का, आर्गुमेंट नंबर में आए? नहीं, आपकी बारी आ जाएगी। इशाम कोई एक आर्गुमेंट जो आप समझते हैं विच इज द मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट इफेक्टिव? सर इस्लामोफोबिया, क्योंकि इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ रहा है दुनिया में, उसके इसके बावजूद कि ओआईसी ने फिर भी कोई इस पर इतने स्टेप नहीं लिए अभी तक, सिवाय कि रिसेंटली अभी 15 मार्च को यूनाइटेड नेशंस ने किया तो है, लेकिन उसके पहले कोई इतने स्टेप्स नहीं थे। अच्छा जी, फर्स्ट आर्गुमेंट इज ओआईसी डिड नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग इस्लामोफोबिया। जी सर, ठीक जी, सही बोले। नहीं, एक हमें टॉपिक कराया था ओआईसी को कंपेयर आपने किया था उससे, यूरोपियन यूनियन से और आसियान से, तो आपने बताया था कि 57 कंट्रीज हैं ओआईसी में और सारी ऑयल रिच कंट्रीज हैं, ऑयल रिच कंट्रीज होने के बावजूद और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के बावजूद भी ओआईसी ने वो रोल प्ले नहीं किया जिस तरह आसियान और यूरोपियन यूनियन ने किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर आसियान ओआईसी इकोनॉमिक तरीके से भी फेल हो चुकी है और उसने उस तरह इंटीग्रेट भी नहीं किया जिस तरह बाकी यूनियंस ने अपने आप को इंटीग्रेट किया है। जी ठीक है, अभी मुझे बताएं फातिमा बाजवा। जी सर। सर मैं जो इसके अंदर, पहले तो ये बताएं व्हाट डू यू नो अबाउट ओआईसी? सर ओआईसी एज अ रिएक्शन मनी थी जो अटैक हुआ था अलक्सा मॉस्क पे इन 1969। सर इस टाइम 57 स्टेट्स है इसमें, ओआईसी के पास ऑयल के कितने रिसोर्सेज हैं परसेंटेज
सर इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इसे ऐड कर दूंगी अपने नोट्स में। जी सर, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ओआईसी का परसेंटेज ऑफ जीडीपी क्या है? सर ये भी मैंने ऐड नहीं किया अपने नोट्स में, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे इस सारी सिचुएशन से पहले और मुझे इसके अंदर और चीजें ऐड करनी थी। मैंने इसे आज सच डिटेल में नहीं किया था, लेकिन मैंने ओवरव्यू इसका सारा लिख दिया था। मैंने नोट्स बनाए थे 2010 में इसके, मुझे याद अभी तक। चलें खैर, चीजों को रिवाइज किया करें, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप ये चीजें भूल जाएं। 57 कंट्रीज हैं, ठीक, उनका जीडीपी की परसेंटेज क्या है उनका, आप 50 कंट्रीज में कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, ठीक, जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें 70% रिसोर्सेज हैं इनके पास ऑयल के, ठीक, और कंट्रीब्यूशन दुनिया के जीडीपी में less than 3%। अब शायद 10 साल पहले less than 3% था, अब शायद 5% के करीब पहुंच चुके होंगे, ठीक। जी सर, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर इस तरह बात करने से पहले, आर्गुमेंट देने से पहले, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसके स्टैटिस्टिक्स सारे पता होने चाहिए। आपका आर्गुमेंट क्या होगा? सर मेरा होगा साइलेंस ऑन मुस्लिम क्राइसिस, ओआईसी का जो ड्यूरिंग मुस्लिम क्राइसिस साइलेंस रहा है, जैसे पैलेस्टाइन इशू, कश्मीर इशू, और उसके बाद जैसे पाकिस्तान 71 में जो डिविजन थी उसमें, फिर यूएसएसआर इन अफगानिस्तान, और इसमें ईरान इराक वॉर भी आ जाती है। काफी सारी एग्जाम्पल्स है जो आप मेन पॉइंट, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है जिसमें ओआईसी का, ओआईसी ने कोई रोल प्ले नहीं किया सिग्निफिकेंट। ठीक फरवा, आपको आवाज आ रही? जी फरवा, आप बताइए। सर आवाज आ रही है? अभी आ रही सर, है। सर मैं पहले वाले टॉपिक के बारे में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहती थी और कन्फर्म भी करना चाहती थी। आपने कहा सिविलाइजेशन किस जो है वाइड स्प्रेड और लेथल होती है, तो स्टार्ट किए जिस तरह ह्यूमन सेल्फ एस्टीम और एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनका लस्ट फॉर पावर एंड ग्रीड फॉर हेजमनी बढ़ता जा रहा है, और पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट गो कि वो ताइवान साथ, वियतनाम के साथ, सबके साथ स्टार्ट कर रहा है वॉर्स। पर वो आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक तरह से, आपका इंटरनेट शायद वीक है। जी मेरा ये दूसरा साथ गुराया, आप कुछ कह रहे थे? जी सर मेरा ये स्टांस होगा इस पे कि जो एक पॉइंट ऐड करूंगा मैं कि मुस्लिम जो ओआईसी के जितने भी मेंबर हैं उनका एक यूनानिमस और यूनाइटेड स्टांस नहीं है किसी भी इशू के ऊपर, उनके आपस में राइवलरीज की वजह से उनका मतलब इंटरनेशनल फोरम्स पे इतना अहम हो रहा नहीं बना। ठीक, इसमें हम कतर ब्लॉकेड की एग्जांपल दे सकते हैं और सऊदी ईरान वगैरह या यमन वार के ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, या रिसेंट अगर देने को मलेशिया का जो संबंध था जिस पे सऊदी के प्रेशर की वजह से इमरान खान ने जाना नहीं गया। और दूसरा सर ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं वो ऑयल को एज ए सोर्स ऑफ कोर्शन यूज कर रहे हैं, जो वीकर कंट्रीज हैं उनको सुप्रेस करने के लिए, या एज ए सोर्स ऑफ पावर यूज कर रहे हैं अपने लोकल एम्स को परसू कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को इन्होंने 3 बिलियन वो लोन दिया था तो फौरन फिर वापस मांगा था। ठीक चलेंगे जी, शरीन इकबाल। जी सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा इस पे पॉइंट ये था कि अगर हम लोग अभी करंटली देखें तो सबसे ज्यादा जो जिस पे पावर राइवलरी चल रही है वो चोक पॉइंट्स पे चल रही है, जो जितने भी आप देखें मलाका स्टेट है वो, अगर पर्शियन गल्फ है, तो जितने अगर हम लोग
मेजर चोक पॉइंट्स देखें तो वो मुस्लिम्स के पास है और वो ओआईसी के मेंबर्स हैं, तो वो उसको भी कोई इफेक्टिवली मतलब अगर उस प्लेटफॉर्म को हम यूज करके उस तरह अपनी ट्रेड में या इस चीज को कर सकें तो वो भी नहीं ऐड कर रही। फिर अगर हम लोग देखें तो हमारा कोई कलेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होता मुस्लिम्स का, जैसे अभी यूक्रेन वॉर पे एक यूरोप का या ईयू का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स आता रहा है, इससे ओआईसी मुस्लिम्स के पास एक सिंगल प्लेटफॉर्म है और उसमें हमारी कोई भी मतलब कोई प्लूरिस्टिक विजन नहीं है इसका ओआईसी का अगर हम लोग देखें। फिर सर अगर हम लोग ट्रेड का देखें तो कोई मुस्लिम कंट्रीज की ट्रेड नहीं है आपस में बिल्कुल, अगर इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकें, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर बाकी उस पर देखें तो सर जैसे बाकी जैसे आसियान और अगर हम उनको देख रहे हैं तो उन लोगों का जो जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उस पर भी वो अपनी वॉइस को शिफ्ट कर रहे हैं, अगर वो कोई भी चीज उन्होंने बिल यूएन में भी अपनी कोई चीज बनवानी हो तो ओआईसी के कोई यूएन में भी कोई से नहीं है, मतलब वो कोई भी उस तरह वहां भी अपनी कोई अप्रोच नहीं वो करवा सकते। तो अगर हम इस तरह देखें फिर पावर्टी और एजुकेशन वाले इस लेवल पे कोई कभी इस तरह एड्रेस नहीं कर सके वो हमारे इश्यूज को, मतलब वो आईसी को अगर हम देखें जिस तरह हम अगर कंपैरिजन करें बाकी आसियान से या ईयू से तो ठीक। चलें जी मायरा खान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी मायरा। सर पॉइंट्स तो वैसे इन्होंने ऐड कर दिए, शीरी ने, थोड़े से मेरे ये पॉइंट्स हैं कि एक तो ट्रेड की मतलब इतना ट्रेड नहीं है, हमारी रीजनल कोऑपरेशन नहीं है कंट्री इसकी, उसके अलावा मुस्लिम कंट्रीज के अमंग कॉन्फ्लिक्ट को ये ख़त्म नहीं कर सका, और इसके अलावा जैसे कश्मीर और पैलेस्टीन पे और मतलब कोई इनका इसको सोल्यूशन नहीं कर दे सके, डिवेलपमेंट नहीं हुई। लेकिन मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने ये पूछना था, क्या हम इसके सेकंड हेडिंग में फिर रीजंस भी बताएंगे फेलियर की? बिल्कुल, हम पहले फर्स्ट में हम प्रूव करेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये सेकंड नेम ऑफ फेलियर, सेकंड नेम ऑफ फेलियर इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड। ठीक, तो आप पहले तो ये प्रूव करेंगे। हाँ जी, हाँ, तो पावर्टी पावर्टी और पे कुछ नहीं कर सके, उसको रिड्यूस नहीं कर सके, उसके अलावा मतलब जैसे बहुत सारे जिहादिस्ट जो है उनको ये खत्म नहीं कर सके। देखें, जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं चाहे वो करंट अफेयर में हो, उसका थिंकिंग पैटर्न ये होना चाहिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर पे जाना चाहते हैं तो आप देखें कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके ऑब्जेक्टिव्स में टू ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं तो वो क्या है, उनकी बेसिस के ऊपर आप टॉपिक इंटरप्रेट करें। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को लेके कहाँ कहाँ फेलियर है, तो फेलियर के आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए पहले, ना कि एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स तो आपको लास्ट 50 ईयर्स में बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, फिर सारा ऐसे हम एग्जाम्पल्स को तो आर्ग्यूमेंट नहीं बना सकते। आप डिफरेंट डोमेन्स में देंगे वो फेलियर्स, इसके बाद कॉजेज ऑफ फेलियर, इसके बाद आप छोटा सा एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं ये जो सेकंड नेम ऑफ फेलियर है इसके ऊपर, कि क्या इसकी कोई कंट्रीब्यूशन कोई रही भी है, बेचारी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो हो सकता है कुछ कंट्रीब्यूट किया हो इसने, तो क्या कोई कंट्रीब्यूशन रही है इस तरह की काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पे, थोड़ा सा उसमें मेंशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वैसे। ठीक, लेकिन उन केसेस में फर्ज किया ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई किसी और की बात आ जाती है, यूरोपियन यूनियन की आ जाती है, तो आप भी वहां पे वो सेक्शन ला सकते हैं, इसके बाद फिर आप वे फॉरवर्ड। ओके जी, अब्दुल्ला चीमा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, मैं इसमें ये कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था कि जब हमने ये देखना है कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनकी वजह से फेलियर इसकी सेकंड एम ऑफ फेलियर, तो जो मुझे लगता है कि सबसे रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट बन सकता है पहले एक दो आर्ग्यूमेंट्स में से, वो ये हो सकता है कि जो फंडामेंटल एम था ओआईसी का वो बुनियादी तौर पर एक कलेक्टिव फ्रंट बनाना था ऑफ मुस्लिम कंट्रीज अगेंस्ट the challenges that Muslim Ummah basically was facing. तो ये ओआईसी की ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो ये जो
टेरिटोरियल नेशनलिज्म थी मुसलमानों की, जो मुस्लिम कंट्रीज थे उन्हें एक उम्मा में ट्रांसफॉर्म करने में नाकाम रही है। यानी जो नेशन स्टेट जब बन गई थी मुसलमानों की ऑटोमन एम्पायर के ब्रेकडाउन के बाद, जो सारी डिसइंटीग्रेशन हुई थी मुसलमानों की स्टेट्स की, उसके बाद जो एक बुनियादी रिवाइवलिस्ट अर्ज थी मुस्लिम कंट्रीज में कि हम दोबारा उम्मा की तरफ जाएं, तो वो एक कलेक्टिव फ्रंट बनाने में ये नाकाम रही है। एक तो मैं ये ऐड करना चाह रहा था। दूसरा ये है कि ये जो दूसरा एम इसका ये था कि जो अपने म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या डिसएग्रीमेंट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करके, तो ये कोशिश की जाए कि जो पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस है एक दूसरे के साथ, उन्हें यूटिलाइज किया जाए फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स, जो कि पहले बात हुई भी है। तो बजाय इसके कि ये अपने डिसएग्रीमेंट्स को कम करते, वो हमें ज्यादा एग्जैसिबेट होते नजर आते हैं डिफरेंट कंट्रीज की एग्जाम्पल में। रिसेंटली अभी टर्की और सऊदी अरेबिया की रिफ्ट है, उसके बाद सऊदी अरेबिया ईरान की जो है वो हिस्टोरिकली चलती नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो इसके दो फंडामेंटल एम्स थे ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। चले ठीक है, ये भी तो वही बात होगी। जी जुबिया जी बोले। अच्छा मुझे मेरा बोल रहे थे, मेरा नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जी जुबिया बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। अमीर तैमूर खान आप बोले। सर मैं एक ही पॉइंट होगा जो एक सेक्शन कवर करने के लिए कि ओआईसी की हमेशा रिएक्टिव अप्रोच रही है, प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों कोई नहीं रही व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम उम्मा प्रॉब्लम, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए बनाई गई थी कि मुसलमानों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा कलेक्टिवली, उस हवाले से ऐड करना चाह रहा था। चले ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारा फर्स्ट मेन सेक्शन तो हो गया कि दिस इज हाउ इट इज अ फेलियर, ओआईसी इज अ फेलियर। और इसके स्टार्ट में आप भले एक ओवरव्यू दे सकते ऑर्गेनाइजेशन का, एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू, उसमें थोड़ा सा टच आप वो सर्कमस्टेंसेस जिनमें ये क्रिएट की गई और इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इसके बाद आप लिंक क्रिएट हो जाएगा आपका, आप फेलियर्स पे आ जाएं कि दिस इज हाउ इट हैज फेल्ड, और अब आ जाएं कि काजेज ऑफ फेलियर क्या है। वो बहुत सही है और हम स्टार्ट करेंगे। जी गुल आपको आवाज आ रही है मेरी? सलाम अलैकुम। वस्सलाम जी बोले। फेलियर के हवाले से पूछ रहे हैं। कॉजेज ऑफ फेलियर। अच्छा सर, पहला फेलियर मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि उनकी अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की वजह से। अगर ओआईसी ने एक अच्छा हेल्दी जो है ना रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो सारे इश्यूज को इकट्ठा लेके चल सकता है ना। इसमें अगर अभी हम क्रिमिनल साइलेंस के हिसाब से देख लें, अगर एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता तो अभी अगर हम एजाब की बात करें, अभी जो इसकी इशू के हवाले से, विक्टिमाइजेशन ऑफ सीरिया के हवाले से या कश्मीर के हवाले से, जो मेन फेलियर है इसकी मेन काज है जो है ना उसके अच्छा जो है रिप्रेजेंटेटिव, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की वजह से। और सर दूसरी बात इसकी यह है कि इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, अगर हम मुस्लिम उम्मा को देखें, यह नहीं है कि मुस्लिम उम्मा के पास इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट कंडीशन में है, लेकिन उसकी जो यूटिलाइजेशन का तरीका है जिस वजह से उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, अगर हम इसे मुस्लिम अगर हम देखें तो मुस्लिम कंट्रीज के सब के अगर ये 70% जो है ना ऑयल रिसोर्स की वजह से वो है वो वेल्थी हैं, लेकिन उनका जो एक तो लैक ऑफ लस्ट की वजह से वो जो है ना उनका जो इकोनॉमी है वो इंडिविजुअलिटी है रादर देन कलेक्टिविटी। अगर एक कंट्री के पास ज्यादा है तो उस वो कम क्यों दे रहा है ओआईसी को, तो उसको उससे ज्यादा जो है ना
प्रोड्यूस जो अमाउंट देना चाहिए ओआईसी को। और सर तीसरी चीज ये है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस इस तरह से है कि अगर हम मुस्लिम उम्मा को देखें, अगर अभी ईरान और केएसए की हम बात करें, तो ईरान जो है ना ये दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि छोटे आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से वो क्या कर रहे हैं कि एक ने जाके इसके यूएई ने जाके सीरिया के साथ उसके इसके साथ जाके अपने अलायंसेस बना लिए हैं। तो इस वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से मुस्लिम उम्मा के जो ओआईसी की एक मेजर रीजन है वो आइडेंटिटी क्राइसिस है। जी ठीक है जी। नुमान अरशद आपको आवाज आ रही? नुमान असद जी। शांजे नूर सर, शांजे नूर रेहाम खान इम्तियाज अहमद जी सर, सलाम वालेकुम। इम्तियाज आप बताइए। काजस सर, सबसे बड़ा कॉस्ट वो है कि पावर पॉलिटिक्स एंड द नीड टू सिक्योर पावर रेसिडेंसी स्पेसिफिकली अमंग द लीडिंग कंट्रीज ऑफ ओआईसी, जैसे सऊदी अरेबिया ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उनके डिफरेंट डाइवर्जिंग इंटरेस्ट होते हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज। सही, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, हाँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट या पावर पॉलिटिक्स जैसे भी आप कहते हैं, या क्लैश ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हो गया। जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो फिर होगा इसी कंट्रीज जो है वो उम्मा की काज बहुत पीछे रह जाती है। ठीक, अच्छा जी शहरियार आप बताइए। सर इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे जो मुस्लिम उम्मा में अथॉरिटेरियन रेजिम्स हैं सर, ये सबसे बड़ी कॉजेज हैं इसकी फेलियर की सर। फिर सर दूसरा लैक ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर। सर आप देखेंगे अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि सऊदी अरब ने एक साल में 105 अरब डॉलर का ऑयल इंपोर्ट किया, जबकि इंडिया ने आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो 130 अरब डॉलर की है सर, और उसका जो विजन है 2025 तक वो 300 अरब डॉलर पे लेके जाने का है, जबकि पाकिस्तान की टोटल जो जीडीपी है वो 296 है सर। सर उसके बाद सर जो इसका इनका जो जो रोल है सर मुल्लाज का, फनेटिक मुल्लाज का, वो डिवाइड कर रहे हैं सर, सेक्टेरियनिज्म से भी आगे जाके मुस्लिम उम्मा को डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कलेक्टिविज्म या प्लूरिस्टिक वैल्यूज का सर दान है सर। ठीक हो गया। फराज आप बताइए। सर वो जो बात मेरे जहन में थी वो उन्होंने बता दी, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो लिबरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आपके कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो अथॉरिटेरियनिज्म और इन चीज़ों की वजह से भी ये लिबरल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा तरक्की नहीं कर सके, ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज के परस्पेक्टिव में। तो जब तक ये पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डिवेलप नहीं होंगे तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक सो के अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, ये मेरा एक खास पॉइंट है। ठीक अच्छा, ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें जिन चीजों की आपको अभी कल तक जिसके आपने वर्किंग करनी है इसके ऊपर, क्योंकि ये कोई पता नहीं आ भी सकता है तो है इजी, आपके चंद घंटे लगेंगे और आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा, करंट अफेयर का भी हो जाएगा और अगर ये ऐसे में आता है तो वहां पे प्रिपेयर हो जाएगा। वन, आपको क्या चाहिए, आपको इसकी जो ओरिजिन है वो एसी का उसके बारे में पता होना चाहिए, इससे रिलेवेंट जो स्टैटिस्टिक्स हैं सारे वो आपको पता होने चाहिए मोटे मोटे, फिर इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो पता होने चाहिए। हिस्टोरिकली अगर देखें तो वो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये
फेल हुई है अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, उनको टारगेट करके आप देखें कि ये अचीव नहीं कर पाई, और उनमें से फिर आपके पास जो जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कहीं पे आपके पास कोई कोटेशन है, कहीं पे आपके पास कोई स्टेटिस्टिक्स हैं, तो वो आपको 7-8 आपके जो आर्गुमेंट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। इसके बाद काजेज ऑफ फेलियर, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 6-7 काजेज दे दें तो काफी होंगे, क्योंकि आपने ये भी तो देखना है ना कि आप 3 आवर्स में अटेम्प्ट कितना कर सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह का जब आसान ऐसे आ जाए तो लोग आउटलाइन बहुत लेंथी बना देते हैं और बहुत ज्यादा स्टफ कर देते हैं आउटलाइन को, लेंथी आउटलाइन बन जाती है, फिर उसकी पैराग्राफिंग नहीं होती, आउटलाइन जस्टिफाई नहीं होती, और अल्टीमेटली होता क्या है कि आप फिर शुरू वाले पैराग्राफ्स तो आपके अच्छे जाते हैं, बाद वालों को आप मर्ज कर देते हैं, जो कि टेक्निकली और रूल्स को देखें तो वो ठीक नहीं है। एक पैराग्राफ में आप दूसरे आइडियाज को मर्ज नहीं कर सकते, तो वो वाला काम नहीं होना चाहिए। आप कंक्रीट आर्गुमेंट दें, मोस्ट रेलिवेंट और आप दें, और उनसे रेलिवेंट एग्जांपल्स आपको इसमें बहुत ज्यादा मिलेंगी, कोटेशन भी अगर आप डाटा थोड़ा सा आप सर्च करें बहुत ज्यादा मिलेंगी, और फिर आपका वे फॉरवर्ड। ये 3 चीजें सिंपल सा, ये आपका एक कैसे है, तो आपकी कल तक इसके ऊपर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं कल दोबारा आपसे पूछूंगा, स्टैटिस्टिक्स भी पूछूंगा और आर्गुमेंट्स भी पूछूंगा, और वार एंड पीस के वो जो मैंने दिया है विद एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसको थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा दिन लगा दें, 2-4 घंटे बस देख लें उसको, राइट लेफ्ट से जो लेटेस्ट रिसोर्सेज हैं जो कुछ मैंने आपको बताया है वो हो जाएगा। कल फिर हम इनको भी करेंगे और इसके साथ मिला के हम कल करेंगे इस प्रोग्रेस रियल। इस प्रोग्रेस रियल वार वाले से भी थोड़ा ओवरलैप करता है, लिंक करते हैं उसके काफी ज्यादा आइडियाज, और आपका जो इससे पहले आ चुका है ह्यूमन इन्वेंशन वाला उससे भी लिंक करता है, तो ये तीनों टॉपिक सम हो, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करना है और उनके आइडिया सेम है, तो ये हम करेंगे कल तक। फ्राइडे को हमारा होगा, ये कल है मेरा ख्याल है फ्राइडे, ऐसे ही है ना? Yes, कल sir. हाँ कल फ्राइडे है तो कल ये हमारे हो जाएंगे। सैटरडे को हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला होगा, सैटरडे को। संडे को आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, अगर हालात ठीक रहते हैं तो कोई ऑफिशियल एक्टिविटी इस तरह की ना हो, थोड़े से हालात खराब हैं ग्वादर के, तो संडे को 3 घंटे की क्लास होगी, उसमें हम ये सारे रिवाइज करेंगे और उसमें काफी ज्यादा इस कहीं कहीं पे जो लूप होल्स रह गए हैं, कोई आपके क्वेश्चंस किसी तरह के भी, कोई आपकी कंफ्यूजन, वो सारी चीजें दूर होंगी, और ये जो हमने इस वीक में जो किया है ये 5-6 टॉपिक हम सारे इनको रिवाइज भी करेंगे, और संडे तक फिर मैं आपको कोई एटलीस्ट 10-15 ड्राफ्ट्स हर एक के ऊपर जो बेहतर होंगे वो मैं आपको सेंड भी करूंगा। तो अपना ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह रात को मुलाकात होती है आपसे।